इंडियन पैरा मिलिट्री एक्स सोल्जर वेलफेयर एसोसिएशन रामपुर में हुई बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में रामपुर कुमार से निर्मण आने के पैरा मिलिट्री एसोसिएशन के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बी के शर्मा ने बताया कि उन्हें संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। आज उनकी पहचान कहीं नहीं होती है। हालांकि सीमाओं पर वे देश की रक्षा करते हुए प्राणों को त्यागते हैं, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। बैठक में मांग उठी कि आर्मी और पैरामिलिट्री में भेदभाव हो रहा है, कैंटीन और स्वास्थ्य की सेवाएं सही मिल रही हैं, चाहे आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ या एसएसबी, उन्हें जो हक मिलने चाहिए नहीं मिल रहे। उन्हें जान की आहुति लगाकर भी पहचान नहीं मिल रही है, इसलिए आगे संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले कई बार केंद्र और प्रदेश सरकारों को अपनी समस्याओं से अवगत करवा चुके हैं। इस दौरान एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल, महासचिव वीर सिंह वर्मा, रामपुर के अध्यक्ष एनडी बेस्टू, आनी कुमार सेन के देवीचंद, ज्ञान रामलाल, मोहन सिंह देशटाब, मीडिया प्रभारी कौशल आदि ने भी अपने विचार रखे और कहा कि पैरामिलिट्री से सेवानिवृत्त सैनिकों को सुविधाएं न मिलने से उनका बुढ़ापा मुश्किल से कट रहा है। एसीपी, एमएसपी और वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाना चाहिए, जबकि बॉर्डर पर आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी के जवान शहादत देते हैं तो उन्हें अब तक शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन के रामपुर अध्यक्ष एनडी बेस्टू ने बताया कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक मुद्दे उठाए हैं, चाहे वह वन रैंक वन पेंशन है या 80 के बजाय 70 साल में अतिरिक्त पेंशन। उन्होंने बताया कि पूर्व में रिटायर हुए और वर्तमान में रिटायर हुए सिपाही को भी समान पेंशन नहीं, करीब 10,000 का अंतिम है। 80 साल के बाद उसके बाद 30% है, 50% है, 100% भी मिलता है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपने देखा होगा हमने पेपरों में कई दफ़ा ये दिया भी है, पर इस पर मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं कुछ है। दूसरा हमारा एसीपी के बारे में है, आज का एक सिपाही रिटायर आता है वो पेंशन लेता है 15-20-25 हज़ार तक, जबकि पूर्व में सिपाही हमारा रिटायर हुआ है उसकी पेंशन होती है अभी 14-15 हज़ार, जो कि बहुत वेरिएशन है। तो इसलिए हमने एसीपी का मुद्दा भी हमने गृह मंत्री महोदय अमित शाह से उठाया है, तो अभी तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी मुद्दे को लेकर के हमने स्टेट अध्यक्ष श्री वी के शर्मा जी को बुलाया है, तो उनके सामने ये सम्मुख रखेंगे, अपने जो पॉइंट्स हैं उनके सम्मुख रखेंगे और ये जल्दी से जल्दी आगे गवर्नमेंट से टेकअप करें, हिमाचल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। हिमाचल गवर्नमेंट से क्या है, हमारा फ्री ट्रीटमेंट फॉर दी ऑल दी पैरामिलिट्री फोर्सेज, कि हमें फ्री ट्रीटमेंट यहाँ जैसे नियरेस्ट हमारा जाकड़ी के बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ दी जाए। तो अभी इसके संदर्भ में कोई हमारे पास स्वीकृति नहीं आई है, लेटर उनको 2019 में ही दे दिया हम, तो यही हमारा खास। संगठन के रामलाल ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं इंडोर में ही है, आउटडोर में नहीं। दूसरा, ओल्ड एज पेंशन 80 के बजाय 70 या 65 करने की मांग है। जो हमारी मीटिंग जो है स्टेट लेवल की हो रही है, जिसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के सीआरपी, बीएसएफ, आईटीपीपी और एसएसबी और सीआईएसएफ सभी, इसके जितने भी पैरामिलिट्री में आते हैं उनकी मीटिंग, इसमें हमारे वी के शर्मा स्टेट प्रेजिडेंट आ रहे, तो हमारे इसमें मुद्दे आजकल हैं कि खास करके हमारी सैलरी और जो पेंशनर और स्टेट गवर्नमेंट से जो हम बेनिफिट भी लेना चाहते हैं उसके बारे में, और कुछ एक हमारे जो सेंटर के हैं, हमारे सेंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई उनको सैलरी नहीं, कई उनको कुछ नहीं मिला, और हमारा जो है एक 65 साल में जब ये ओल्ड एज पेंशन मिलती है हमारे को वो 80 साल में, उसका भी हमने मुद्दा उठाया कि हमें भी 65 साल से दी जाए। स्टेट प्रेसिडेंट बी के शर्मा ने बताया कि आर्मी को जगह जगह पर स्टेट सैनिक बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड है, जहां उनकी हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के लिए सुविधाएं नहीं। ऐसे में शारीरिक समस्याओं के लिए दूरदराज के इलाके में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी हैं। जब एक एमपी को 5 साल सेवाएं देने के बाद पूरी सुविधाएं मिलती हैं, तो सैनिक को क्यों नहीं। सरकार इस ओर ध्यान दे कि उनका देश सेवा में किए गए योगदान को याद किया जाए, और वो चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनका अधिकार हमारा है,
अगर एमपी को 5 साल या 1 साल में पेंशन का अधिकार है तो हमको भी होना है, हमारी भी वो मूल सुविधाएं हैं, हम देश के इज्जतपूर्व नागरिक हैं और हम हमेशा भारत माँ की सेवा में तत्पर हैं। हम अपने आप से उठकर और अपने परिवार से उठकर हमने हमेशा देश की सेवा की है और मरते दम तक हम लोग करते रहेंगे। यही हमारा सब अर्धसैनिक बलों का जो है एक देश के लिए क्या कहते हैं उसको एक नारा है हमारा कि हम यही काम करेंगे और हम देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे, भारत माता की जय करते हैं, भारत माता की जय करते ही अपने प्राणों का निछावर करेंगे। लेकिन सरकार अपनी जो कर्तव्य है उसको निभाए और हमको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त प्रदान करें जिससे कि हम इज्जतपूर्वक जिंदगी जिए हैं और जाते समय भी एक इज्जतपूर्वक नागरिक के भांति अपने प्राणों का निछावर करें और समाज की तत्पर सेवा करते रहें। हमारा पे बैक मोड है, हम जब रिटायर हुए हैं हमने सारी जिंदगी कमाया है, अब हम लोग पे बैक मोड पे हैं, हम सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं। सारी जिंदगी भी हमने सेवा की है लेकिन सिविल में आकर भी हम लोग अपनी सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जितनी भी हमारे को जिंदगी भर ट्रेनिंग दी गई है और जितनी भी हमारे वैल्यू है जिसके एक्सपीरियंस है उसका उपयोग करे, सदुपयोग करे और लोगों को जो है अच्छी से अच्छी कार्य प्रणाली हमारे द्वारा दिलवाए और हमारी सेवाओं का इस्तेमाल अभी भी किया जाए ताकि हम लोग घर में अकेले खास ना बैठें और ये ना हो कि हम देश हमको भूल जाए और हमारी सेवाओं को भूल जाए। मैं इसी निवेदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री और देश के अन्य नेताओं को के पास ये समाचार भेजना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि ये समय आ गया है कि आप हमको भूले नहीं, जो भूली पिछली बातें हैं, जो पुराने कमियां हैं उसको दूर किया जाए और विसंगतियों को दूर किया जाए ताकि आने वाले समय में हम लोग इज्जत की जिंदगी जी सकें और देश के लिए और अच्छे से अच्छा काम कर सकें, योगदान दे सकें। जय हिंद।